नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सियासी शतरंज की बिसात बिछाई जाने लगी है। मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच है, क्योंकि अखिलेश ही सबसे बड़े चैलेंजर हैं। लेकिन क्या वो इतने बड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ और भाजपा की चुनाव मशीन को टक्कर दे सकेंगे? क्या शिवपाल सिंह को जितनी जरूरत सपा की है, उससे ज्यादा अखिलेश को शिवपाल यादव की है? ये सवाल अपने आप में कई जवाब दे रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं अपने इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव का चुनावी अतीत बहुत खुशगवार नहीं है। 2012 के यूपी चुनाव में उनके आभार को चमत्कार माना गया था, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होते होते कहा जाने लगा कि सपा सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। रही सही कसर 2017 के चुनाव से ठीक पहले पूरी हो गई, जब सपा कुनबे का सत्ता संघर्ष सड़क पर आ गया। चाचा भतीजे सब लड़ पड़े। नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव, जिन्हें यूपी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे ज्यादा पंचायत सदस्य जीतने का दावा किया था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के मामले में बीजेपी के चुनावी प्रबंधन के आगे समाजवादी पार्टी को घुटने टेकने पड़े। जबकि अतीत में ऐसे ही कई मौकों पर शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादियों की वैतरणी को पार लगाया है। संगठन और चुनाव प्रबंधन के मामले में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी भी टीपू ही नजर आते हैं। लंबे समय तक सपा का चेहरा भले ही मुलायम सिंह यादव रहे हो, लेकिन संगठन को जमीन पर खड़ा करने और जनाधार जुटाने में शिवपाल सिंह यादव की काबिलियत के कायल नेताजी भी थे। समाजवादी पार्टी कुनबे में हुई टूट के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कई मौकों पर अखिलेश के साथ आने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश की ओर से उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। अखिलेश ने यूपी पंचायत के एक कार्यक्रम में ये जरूर कहा था कि उनके लिए जसवंत नगर की सीट छोड़ दी गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिवपाल सिंह को जितनी जरूरत सपा की है, उससे ज्यादा अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव की है। 2012 में चाचा शिवपाल ही थे चाणक्य। सपा को उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर मजबूत करने में जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का था, उतना ही पसीना शिवपाल सिंह ने भी बहाया है। सपा में वो जमीनी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं और उनकी समाज के लोगों के बीच अच्छी खासी पैठ थी। संगठन कैसे चलाया जाता है और चुनाव कैसे जीता जाता है, इस मामले में शिवपाल यादव को महारत हासिल थी। 2012 में टीपू के उत्तर प्रदेश का सुल्तान बनने को शिवपाल सिंह यादव की ही रणनीति का परिणाम माना जाता है, लेकिन पूर्ण बहुमत से आई सरकार को अखिलेश यादव अपने चेहरे का जादू समझ बैठे। समाजवादी कुनबे में मची सियासी कलह का असर अखिलेश को अगले विधानसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ा। भतीजे के पार्टी पर कब्जा करने से नाराज हुए थे चाचा। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले शिवपाल सिंह यादव पार्टी पर अखिलेश के एक शत्र राज से खफा हो गए थे। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि सपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी दल बनाने में मुलायम सिंह के साथ साथ शिवपाल सिंह ने भी मेहनत की थी, लेकिन सपा में वर्चस्व की जंग के शुरू होने के साथ ही अखिलेश ने शिवपाल के पर कतरना शुरू कर दिए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर अखिलेश का मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से मतभेद खुद खुलकर सामने आया था। यादव परिवार में मची इस सियासी खींचतान के बाद विधानसभा चुनाव में सपा की हार का ठीकरा अखिलेश ने शिवपाल पर फोड़ दिया। कहा जाता है कि अखिलेश के दूसरे चाचा राम गोपाल यादव के भड़काने पर ही उन्होंने शिवपाल सिंह को साइडलाइन करने का मन बनाया था। शिवपाल सिंह यादव ने सपा से अलग होकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद देकर एक मोर्चा बनाया, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में तब्दील हो गया। अखिलेश तैयार, लेकिन राम गोपाल नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं दिखा सकी। हालांकि उन्होंने सपा का गढ़ कहे जाने वाली फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये सीट 21 साल बाद बीजेपी के खाते में चली गई।
राम गोपाल यादव से शिवपाल की अदावत किसी से छिपी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश के मन में अभी भी जगह है, लेकिन राम गोपाल यादव की वजह से उनकी वापसी पर ब्रेक लगा हुआ है। यूपी पंचायत के एक कार्यक्रम में अखिलेश ने आने वाले समय में शिवपाल के साथ गठबंधन के संकेत तो दे दिए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनका भी एक दल है, अगर समीकरण और परिस्थितियों के हिसाब से उनके साथी अनुकूल होंगे तो विचार किया जाएगा, वो सरकार बनवाएं और सम्मान पाएं। इसी कार्यक्रम में चाचा शिवपाल ने भी अपना दर्द साझा किया था। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि नेताजी हमेशा परिवार को साथ लेकर चले, गांव को और समाजवादी पार्टी को भी एक परिवार की तरह ही साथ लेकर चले। उन्होंने दुश्मनों को भी गले लगाया और आगे बढ़ते रहे। भतीजा भी उसी राह पर चले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कई दफे अखिलेश से मिलने का समय मांगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर समाजवादी पार्टी को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था। वैसे अखिलेश यादव भले ही सपा को बीजेपी के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर पेश कर रहे हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव और संगठन के प्रबंधन में भी अभी भी शिवपाल को छू नहीं पाए हैं। कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इस बार भी शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन के साथ इनकार कर देते हैं तो उन्हें तकरीबन हर सीट पर कुछ हजार वोटर्स का नुकसान होना तय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बसपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा की वजह से पहले ही चुनाव बहुकोणीय हो चुका है। शिवपाल को साथ लाकर वो कम से कम एक जगह तो खुद को मजबूत कर ही सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि शिवपाल सिंह को जितनी जरूरत सपा की है उससे ज्यादा अखिलेश को शिवपाल की है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते इंडिया।